तो नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा SA@ABC। तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस वीडियो में मैं आपको तरह तरह की जानकारियां दूंगा और खासकर ब्रायलर के ऊपर ज्यादा बातें करनी है दोस्तों मुझे। और बहुत सारे मेरे दर्शक ऐसे हैं जो कि उनके मन में कई सारे सवाल होते हैं और उन सभी सवालों के जवाब देने वाला हूं उस वीडियो में। सबसे पहले दोस्तों एक डाउट है लोगों के मन में, उसको मैं हल कर देता हूं। डाउट क्या था, कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था दोस्तों, जिसमें मैंने लोगों को, एक फार्मर है हमारे मेंबर बंदे हैं, तो उनका मैंने बुक डाला। और ये जो हमारी बुक थी दोस्तों, इसमें ना 2004 चूजे उनके फार्म में पड़े हुए थे। तो लोगों ने कहा कि अजय सर ये नहीं हो सकता है, आप झूठ बोलते हैं लगता है। तो आप इस साइड में आप देख पा रहे हैं कि उनकी ये जो GC है, यहां पे मैंने इसको इसीलिए लगा रखा है कि ताकि आप लोग देख लें, इनको ना ₹16 पर KG के हिसाब से प्रॉफिट हुआ है। ₹16 कुछ पैसे हैं और आप लोग खुद ही इतना समझदार हो कि जोड़ सकते हो। इनका टोटल वेट भी दिया गया है और इसको गुणा भाग करके आप लोग देख सकते हो। तो ये तो बात हो गई दोस्तों कि भाई झूठ नाम की चीज मेरे पास नहीं है और मैं अक्सर करके वो चीजें दिखाने की कोशिश करता हूं कि फार्मर को जो भी दिखाया जाए उस सच को, सच इसलिए मैं दिखाता हूं दोस्तों क्योंकि मेरा निजी काम जो है YouTube का ही नहीं है। मेरे पास फार्म है और फार्मों में कितना मेहनत लगता है, फार्मर को कैसे अपने फार्म की रखवाली करनी पड़ती है, किस तरह से वो पैसे इकट्ठा करके इसके बाद में फार्म के अंदर भूसी लेके आता है फार्मर, दवाएं लेके आता है, तरह तरह की आपदाओं को झेलता है, तो जाके वो अच्छा पैसा काम कर पाता है और बेहतर पैसा कमा पाता है। तो फार्मर के साथ मेरा ऐसा कोई 1% भी मन नहीं होता है दोस्तों। बहुत सारी बड़ी बड़ी तरह तरह के लोग आते हैं, तरह तरह की कंपनियों के वो आते हैं ताकि मैं उनका प्रमोशन कर सकूं और मैं उनको ज्यादा से ज्यादा मतलब फार्मर तक उन चीजों को पहुंचा सकूं। लेकिन दोस्तों मैं कभी किसी भी चीज पे बिलीव नहीं करता हूं। एक्चुअली मेरा कारण ये होता है, इसका कारण ये है दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अगर कभी नुकसान लगे तो मेरे पास कमाई के बहुत सारे जरिए हैं दोस्तों। मैं कहीं ना कहीं से तो मैं इतना कमा लेता हूं जिससे मेरा परिवार, मेरे सारी चीजें अच्छे से रन कर सकती हैं। लेकिन अगर उन्हीं चीजों को मैं एक ऐसे फार्मर को दे दूं, उस पर मैं बिलीव विश्वास जता के मैं ऐसे फार्मर को दे दूं जो बेचारा, जिसके पास 2000 की फार्मिंग है, 3000 की फार्मिंग है और उसके पास साइड इनकम का कोई जरिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग है, अब मैं उसको वो चीज अप्लाई कराऊं और कहीं ऐसा हो जाए कि फार्मर का रिजल्ट जो है खराब हो जाए उसकी वजह से, तो ये बहुत मेरे मन को झिझोर देता है यार। सच बताता हूं, मेरे मन को तसल्ली नहीं मिलती है। मैं सोचता हूं यार मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। और इसी वजह से दोस्तों कभी भी आप देखिएगा, मैं उन्हीं दवाओं को बताता हूं आप लोगों को जो मैं अपने, जैसे मेरे 4-5 फार्म तो यहीं पे हैं दोस्तों, इनमें मैं हमेशा चूजे होते हैं तो मैं अच्छे ट्रायल करता रहता हूं अपना जो मैंने रिसर्च बना रखा है एक छोटा सा, जिसमें ना कई टाइप के चूजे डाल करके वहां से मैं उन दवाओं का प्रयोग करता हूं, उनसे रिजल्ट लेता हूं। अगर वो हमारे कसौटी पे खड़े उतरती हैं दवाएं तो ही मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और जितने भी लोग, अभी एक फार्मर की बात बताता हूं दोस्तों, विष्णु नाम है, अभी जैसे वो वीडियो देखेंगे ना, अरे इतना तेज, मतलब उन्होंने आज लगातार 3-4 दिनों से मुझे इतना टॉर्चर कर रहे हैं, वो भैया हमारा रिजल्ट आना चाहिए,
हमने कहा ठीक है आएगा रिजल्ट। अब उन्होंने क्योंकि बेचारे अब क्या करें, वो उनके सामने भी समस्या है। अब पिछले दिनों में काफी रिजल्ट्स खराब हुए हैं, फार्मर का कंपनी का प्रेशर है, मैनेजर का प्रेशर है, सुपरवाइजर का प्रेशर है कि आपको रिजल्ट देना है। उन्होंने जब मुझे अपने, हमने कहा कि अच्छा ठीक है आपने फीड का और अपने जो वेट है उसको बताओ, उन्होंने बताया तो मुझे लगा क्योंकि मैंने जब कैलकुलेशन किया उस चीज को तो मुझे मालूम चल गया कि ये जाके रुकेंगे, अच्छी जगह रुकेंगे और इनका रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा। क्योंकि दोस्तों वो फार्मर इतना एक्टिव है कि क्या बताऊं आपको, इतना फास्ट आदमी मैं देखा ही नहीं, सुबह से लेकर शाम तक 10 बार फोन और हर बार रिजल्ट के पीछे। तो मैं ऐसे लोगों को मैं भी बहुत पसंद करता हूं, सच बताता हूं, क्योंकि जो काम के प्रति जिनका जुनून हो, जो काम के प्रति इतना लगाव हो जिनका, वो फार्मर अच्छे होते हैं दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग। तो वो ना सुबह 5 बजे बोल दिया मैंने तो 5:01 पे दवा लगा के मुझे फोन कर देंगे और रिजल्ट भी है। कल शायद 31 दिन में दोस्तों 31 दिन का मुर्गा हुआ था और उसमें ना उन्होंने मेरे से थोड़ा सा वो हुआ तो किसी और से बुक जोड़वाया, उनकी बुक जो है 77 रुपए में एकदम रेडी आ रही है। अब वो बुक बताइए अगर इतने 31 दिन में ऐसी आ रही है तो वो बुक जाहिर सी बात है डाउन होती जाएगी क्योंकि चिक्स कास्ट घटेगा, फीड कास्ट घटेगी, फीड कास्ट नहीं सॉरी ये बॉडी वेट बढ़ेगा तो चिक्स कास्ट घटेगा, मेडिसिन कास्ट घटेगा तो वो हो जाएगा। तो ये बातें तो हो गई दोस्तों इधर उधर की। अब मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। यदि कोई भी फार्मर जो निजी फार्मिंग करता है उन लोगों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ना अपने पास एक चार्ट रखें, एक शेड्यूल रखें। चार्ट इस तरह का बनाना है आपको कि जो आपके पिछले 2-3 सालों का उसमें डाटा हो उसको रखिए। प्लस ये नहीं समझ पाते हो आप लोग तो आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट करो, मुझे मैं बताऊंगा आपको कि कैसे क्या करना है इसके लिए। दूसरा, चूजे कब डालो, चूजा कब बेचना, बेचने पे आपको प्रॉफिट ही होगा, साथ ही साथ में किस रेट में चूजा डाला जाए, ये निजी फार्मिंग वालों की बात कर रहा हूं, तो आपको अच्छा मार्केट मिलेगा। साथ ही साथ में दोस्तों आप ना यदि आप ना फीड बनाने जा रहे हो तो वहां पे जो फॉर्मुलेशन मैं प्रोवाइड कराता हूं दोस्तों गारंटी के साथ ताल ठोंक के मैं बोलता हूं हमेशा, ये मैं जानता हूं क्योंकि मेरे पास जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग फार्मिंग कर रहे हैं और निजी फीड बना के जहां पे मेरी प्रीमिक्स चलती है वो अच्छा मक्का लेते हैं, गोयल की अच्छी डीओसी लेते हैं, और गोयल ही नहीं आपके पास डीओसी जो भी उपलब्ध हो वो ले लीजिए, हमें कोई ये नहीं है। साथ ही साथ में वो बेहतर प्रीमिक्स का प्रयोग करते हैं, ऑयल भी एक नंबर यूज करते हैं, तो ऐसे फार्मर हमेशा रिजल्ट में रहते हैं दोस्तों। और मैं बता दूं कि उनकी कास्टिंग हमेशा इतनी आती है कि जहां पे फार्मर बहुत ही अच्छे से पैसा अर्न करते हैं और उनकी तैयारी भी डाउन आती है। अभी मैं बहुत ही जल्द दोस्तों आप लोगों को सोनू सिंह जो कि बिहार पश्चिमी चंपारण के हैं उनका मैं डिबेट करने वाला हूं और उनको आप लोगों के बीच लाने वाला हूं, फिर आप लोग समझ जाओगे कि यार कौन सी फार्मिंग अच्छी है और कौन सी फार्मिंग में हम लोग लॉस करते हैं, ठीक ना। तो ये बातें हैं। साथ ही साथ में दोस्तों अगर आपके यहां कोई डिजीज आती है, फार्मिंग के अंदर डिजीज आती है, और डिजीज सबसे ज्यादा एक चीज मैं बता दूं दोस्तों जो आने वाली डिजीजें हैं, ठंडी का मौसम शुरू होते ही आपके फार्मों के अंदर तरह तरह की डिजीजें आती हैं, तो उनका अगर आपको विधिवत जानकारी नहीं है तो आप लोग किसी अच्छे फार्मर, जानकार फार्मर जो कि पिछले कई सालों से फार्मिंग करें। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं दोस्तों,
कुछ हमारे फार्मर ऐसे हैं जिनके अंदर ना ऐसी जलन सी होती है, वो ना अगर उनके साथ में कोई नया फार्मर ने ओपन कर लिया ऐसे, तो उसको बनाने के बजाय, उसको आगे बढ़ाने के बजाय उसको ना ऐसी दवा बताते हैं जहां से वो और ज्यादा बुरी स्थिति में जा जाता है। जैसे अभी कल की बात बताओ दोस्तों, उस बर्ड में बहुत ही बुरी तरीके का साउंड था और उसके मतलब दिक्कत हो रही थी, तो बर्ड जब साउंड हुआ, जब बर्ड को इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो बर्ड क्या है बैठ जाता है, तो फार्मर को लगा बेचारे को कि लंगड़ा हो गया है बर्ड। अब वो ना उनसे जब दवा पूछा तो उन्होंने उसको इतना ज्यादा मल्टीविटामिन लगवा दिया। अब बताओ साउंड में अगर मल्टीविटामिन कैल्शियम आप लगा देते हो तो आप ना उस बीमारी को और ज्यादा बढ़ा देते हो। अब हुआ क्या कि बर्ड ना और ज्यादा घर घर करने लगा, सीआरटी बढ़ गई, मोटलिटी शुरू हो गई। तो वो बेचारा भाग के आया, उसने बताया कि भैया ऐसा ऐसा हुआ था वहां पे, उन्होंने ऐसा ऐसा मुझे बताया तो मैंने किया। तो ऐसा कभी ना करें, अपना मान के चले यार। आप देखो इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, ये बिजनेस ऐसा है जहां पे कंपटीशन नाम की चीज नहीं है। आपका मुर्गा तैयार हो रहा है, बगल वाले का मुर्गा तैयार हो रहा है। अगर आप निजी फार्मिंग करते हो तो जिस दिन बेचना है आपको, अगर एक गाड़ी नहीं मिल रही है मान लीजिए, उसकी वजह से बगल वाले की वजह से एक गाड़ी कट भी गई है, तो आप दूसरे को संपर्क कर लो। मार्केट में इतने सारे ट्रेडर्स तो घूम रहे हैं। या अगर मान लीजिए कि आपके यहाँ पे लोडिंग उस दिन नहीं भी हो पाती है तो क्या दिक्कत हो जाएगा यार, आपका मुर्गा खा रहा है बढ़ रहा है। हाँ वो अलग की बात है कि कोई ऐसा सिचुएशन हो जहां पे बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी हो रही है तो आप उससे ही बोल दो, आपका तो जूनियर मतलब आपसे कम जानकार है, सॉरी जूनियर सीनियर की बात नहीं, वो कम जानकार है, तो जाहिर सी बात आपकी बात मानेगा, कहेगा ठीक है भैया आप बेच लो फिर मैं बेच लूंगा। तो कभी भी ऐसी भावना अपने अंदर ना रखें। मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी दर्शकों से कि अगर आपके पास में कोई फार्मर आता है तो उसको उचित सलाह दो, उचित दवाएं बताओ, ताकि वो मार्केट में बन पाए, मार्केट में ग्रो कर पाए और अपने लिए अपने परिवार के लिए एक अच्छी जिंदगी का शुरुआत कर पाए। क्योंकि वैसे भी पोल्ट्री लाइन में दोस्तों बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव चलता रहता है, जिसकी वजह से अक्सर करके फार्मरों को नुकसान होता है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि आप लोग इस तरह की कुछ हरकतें करो जिसकी वजह से और भी नुकसान हो। धन्यवाद।